एस आज का हमारा लेक्चर है वर्क और टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ भी सी एस एस पी एम एस एफ पी एस सी और पी पी एस सी से क्वेश्चन इकट्ठे किए हुए हैं ये बड़े कॉमन क्वेश्चन हैं ये देखें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि जी अगर पीटर एक काम चालीस मिनट में कर रहा है और वही काम जो है जॉन साठ मिनट में कर रहा है बताएं कि जी दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो कितने टाइम लगेगा ठीक है सेली यहाँ पे चार घंटे में कर रहा है और जॉन जो है वही काम छह घंटे में कर रहा है तो बताएं कि टोटल अगर दोनों साथ करते हैं तो टाइम क्या लगेगा या इस तरह के क्वेश्चन होता है कि इनलेट पाइप को फिल करने में टैंक दस घंटे लगने हैं और आउटलेट पाइप को एमटी करने में बीस घंटे अगर दोनों पाइप इकट्ठे ऑन किए जाए तो बताएं टैंक जो है वो फिल कब होगा तो इस तरह के क्वेश्चन हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन से लास्ट वाला है अगर आपको ये क्वेश्चन आते भी हैं तो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये जरूर सॉल्व करके देखें अगर ये आपको आता है तो आपको सारे आते हैं अक्सर एफ इस तरह करता है कि जब आपके पास पेपर आता है तो बीस में से पंद्रह क्वेश्चन वो सबके सही करवाता है और आखिरी पांच जो क्वेश्चंस होते हैं असल कंपटीशन उन्हीं पे होता है तो उनमें इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो बिल्कुल जो है ना होने वाले हो तो इसीलिए हम यहाँ पे वही क्वेश्चन इंक्लूड जरूर करते हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो कि कभी बाय चांस अगर आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में आ जाए तो आप जो है उनको भी सही कर लें चले वेल स्टार्ट करते हैं फार्मूला आज का हम जो यूज करने वाले हैं वो ये है अल्जिब्रा के वर्क प्रॉब्लम कहलाते हैं ये और यहाँ पे होता है जी के टाइम तो, सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से डील होंगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पीटर जो है वो चालीस मिनट में काम कर रहा है साठ मिनट में जॉन कर रहा है बताएं दोनों साथ में कितने मिनट में करेंगे तो वही फार्मूला हम लेके आए यहाँ पे वन पॉइंट टी वन यानी वन अपॉइंट फोर्टी प्लस टी टू यानी वन पॉइंट सिक्सटी और टोटल टाइम हमें मालूम करना है आ गया तो यहाँ पे आप एल सी एम लेके कर सकते हैं एल सी एम से बचने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा कोई नंबर ढूंढता हूं जो सबसे मल्टीप्लाई करवाऊँ और उससे मैं एल सी एम की बचत हो जाए तो यहाँ पे हमने वन ट्वेंटी को मल्टीप्लाई करवाया है तीनों जगहों पे और इस तरह से हमारे पास आ गया और x की वैल्यू हमारे पास आ गई चौबीस इसका मतलब है जी अगर दोनों मिलके करेंगे तो 24 मिनट में ये काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगले पे मूव करते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं सिंपल वाला सेली जो है यहाँ पे चार घंटे में काम कर कर रहा है एक काम और छह घंटे में आपका जॉन कर रहा है बताए दोनों अगर इकट्ठे करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे देन अगर आपके पास यहाँ पे भी वन पॉइंट फोर प्लस वन पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट टी टी आ गया जी आपके पास बारह डिवाइडेड बाय पांच और टी आपके पास यहां से आ गया ढाई घंटे तो ढाई घंटे लगेंगे जी अगर दोनों करेंगे अब चलते हैं थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन क्वेश्चन पे पे है जी कि जी टैंक फिल हो रहा है दस घंटे में और टैंक खाली हो रहा है बीस घंटे में बताएं कि जी अगर दोनों इकट्ठे चलते रहे तो कितने टाइम में टैंक फुल होगा तो यहाँ पे जो टैंक फुल हो रहा है उसको हम प्लस कंसीडर करेंगे और जो टैंक खाली हो रहा है उसको हम माइनस कंसीडर करेंगे और वही हम उसी इक्वेशन में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा देखें तो हमने यहाँ पे लिखा है नेट रेट क्या है कि जी इनलेट पाइप का रेट माइनस करें अगर आउटलेट पाइप का रेट तो हमारे पास आंसर आ जाएगा देखें वन पॉइंट टी हमें मालूम करना है वन पॉइंट टेन ये वाला है जो टैंक फिल हो रहा है यहाँ पे ये पॉजिटिव में है और आउटलेट पाइप का जो है वन पॉइंट ट्वेंटी वो माइनस में है यहाँ पे क्योंकि वो पानी जो है वो बाहर जा रहा है यानी टैंक में टैंक से बाहर निकल रहा है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव में है तो जब हमने ये लेके या इक्वेशन सोल्व कर दी हमने तो यहाँ सिटी की वैल्यू आएगी आ गई हमारे पास बीस घंटे यानी घंटे लगेंगे अगर इनलेट पाइप भी चलता रहे और आउटलेट पाइप भी चलता रहे तो टैंक फुल हो जाएगा हमारा बीस घंटे में चलें जी आगे देखते हैं नया क्वेश्चन अच्छा देन हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ए और बी अगर ये काम 12 दिन में फिनिश करते हैं अगर ए अकेला 20 दिन में करता है तो बताएं बी कितने दिन में करेगा तो देखें यहाँ पे टी बोथ बताया हुआ है हमें टी बोथ बताया हुआ है जी 12 दिन और फिर जो है हमें ए का टाइम बताया हुआ है 20 दिन और बी का हमें मालूम करना है सेम उसी इक्वेशन में होना है आपका है वन अपॉन टी बोथ इज इक्वल टू वन अपॉन टी वन, वन यहाँ पे आपने यहाँ पे वन t2 टी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा वन t टी बोथ माइनस T2 is equal to टू वन अपॉन टी इस फार्मूले में आप जो है यहाँ पे पुट करें T बोथ आपने पुट करना है 12 uh, दिन और यहाँ पे T2 टू पुट करना है आपने 20 दिन कैसे वन अपान आपने 12 माइनस वन अपॉन ट्वेंटी करना है इज इक्वल टू वन अपॉन टी तो जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 30 डेज कि जी बी अगर करता है तो थर्टी डेज में करता है ए अगर अकेला करता है तो बीस दिन में करता है दोनों मिलकर करेंगे तो बारह दिन लगेंगे तो इस तरह से ये सोल्व होगा वरना अगर कि आपके पास फार्मूला नहीं होता तो आपको इतने बड़े तरीके से सोल्व करना पड़ता पर डे का रेट निकालना पड़ता आपको और दोबारा से तीनों के पर डे निकालने के बाद आपने प्लस माइनस करके फिर निकालते आप तो इससे बचने के लिए यही एक फार्मूला है अच्छा जी इस वीडियो को सबसे मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन यह दिया हुआ है कि अगर 24 फोर मैन है वो 16 डेज में अगर ये काम ख़त्म करते हैं और यहाँ पे 16 वुमेन हैं जो 24 फोर डेज में ये काम ख़त्म करती है तो बताएं कि आठ मैन और सिक्स वुमेन अगर मिल के काम करते हैं तो बताएं कितने दिन लगेंगे यहाँ पे मुश्किल इसलिए है कि डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं है पहले आपको मैन के लिए सोल्व करना पड़ेगा फिर आपको वुमेन के लिए सोल्व करना पड़ेगा और दोनों का टाइम फिर निकालना पड़ेगा अच्छा ये कैसे सॉल्व होगा सबसे पहले आपने रेसो वाले तरीके में जो है इन सबको फिट करना है किस तरह कि दो वेरिएबल हाँ पे मेन और डेज यहाँ पे पहले हम ये सॉल्व कर रहे हैं मैन और डेज में हमने देखा कि 24 डेज में, में कर रहे हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है आठ मैन तो आठ जो है बंदे कितने दिन में करेंगे यानी एक्स डेज यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई फोर्टी डेज यानी आठ बंदे अगर मिलकर आठ बंदे अगर काम करेंगे तो फोर्टी डेज लगेंगे फिर हमने इसी तरह वुमन का सोल्व कर दिया ये इक्वेशन है वुमन की वुमन और डेज आ गए फिर 16 वुमन 24 डेज में तो जी यहाँ पे सिक्स है यहाँ पे हमने 6 लिख दिया 6 वुमन कितने डेज में यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गया जी के इतने दिन लगेंगे 64 डेज लगेंगे यही काम वुमन को खत्म करने में अब हमने टाइम टुगेदर निकालना है ये मेन का टाइम आ गया ये वुमन का टाइम आ गया अब हम जी उसी फार्मूले में पुट करेंगे